नगर कोविड में हो रही असुविधा को देखकर समाज सेवी ने निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। शिलान्यास लोटन क्षेत्र के सुहांस बाजार में सल्फिया हॉस्पिटल का हुआ भव्य शिलान्यास। कोरोना महामारी में हो रही असुविधा को देखते हुए समाज सेवी हाजी करम हुसैन सल्फिया पब्लिक स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर फरीद अहमद सल्फी ने सल्फिया हॉस्पिटल के नाम से आज अपने गुरुजन व अभिभावकों की उपस्थिति में किया। डॉक्टर फरीद अहमद सल्फी ने लोगों से कहा कि कोविड में हो रही परेशानी को देखकर हमने ये फैसला लिया है कि हमारे क्षेत्र की जनता को दूर न जाना पड़े। हमारी सोच है कि जिस बीमारी के इलाज के लिए नौगढ़ गोरखपुर लखनऊ तक जाना पड़ता है वह सुविधा लोगों को सुहास बाजार में ही दे ताकि लोगों की दुआएं हमें नसीब हों। शिलान्यास के दौरान नईमुद्दीन मदनी ने कहा कि जो भी स्कूल व हॉस्पिटल खोलकर लोगों की सेवा करना सराहनीय है। अब्दुल रशीद मदनी ने कहा कि हर व्यक्ति को नेक कार्य करना चाहिए ताकि दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी काम आए। इस अस्पताल के खुलने से क्षेत्र को काफ़ी किफ़ायत मिलेगी जहां गरीबों को विशेष ध्यान दिया जाएगा और निशुल्क सेवा उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार दी जाएगी। इस दौरान शेख अब्दुल रशीद मदनी, शेख नईमुद्दीन मदनी, शेख अब्दुल माजिद नदवी, शेख मोहम्मद फैसल मक्की, शेख मोहम्मद शरीफ मक्की, शेख अबू बकर मोहम्मदी, शेख खालिद सैराजी, ब्लॉक प्रमुख लोटन जमीर अहमद, तफजुल हुसैन खान, वीरेंद्र सिंह, राधे रमन मिश्रा, राजेश्वर मिश्रा आदि बहुत सारे अतिथि मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, ये अस्पताल का नाम क्या है और इस अस्पताल के बनवाने का वो मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? हॉस्पिटल का नाम सल्फिया हॉस्पिटल है और उसका उद्देश्य यह है कि अभी कोरोना महामारी का दौर गुजरा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत परेशान रहे, उनका उचित इलाज भी नहीं हो सका, ऑक्सीजन लेवल की वजह से सिलेंडर जो बहुत सस्ते थे बड़े महंगे बिके और कोई कायदे का हॉस्पिटल अपनी तरफ था भी नहीं। तो मैंने एक सोच, एक मरीज को मैं खुद देख रहा था, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था, मैंने अपने कई डॉक्टर साथियों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए फ़ोन भी किया, एडमिट करने के लिए भी कहा, लेकिन लोग इतने भयभीत और डरे हुए थे कि कोई अपने यहाँ एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। वहीं से मेरे मन में जिज्ञासा हुई और मैंने सोचा कि एक हॉस्पिटल क्यों ना बना लिया जाए जो समाज सेवा के तौर पर उसको यूज किया जाए, बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके, जो सुविधा मुख्यालय पे हो या फिर गोरखपुर लखनऊ हो, उन सारी सुविधाओं का यहाँ पूरी तरह से इंतजाम किया जाए और बेहतरीन हॉस्पिटल बनाया जाए। ये जहाँ आपका जो ये हॉस्पिटल जहाँ पे बना हुआ उसका नाम कहाँ है इस स्थान का और आपके अस्पताल के मुख्यालय की दूरी कितनी है? ये हॉस्पिटल जो बना है सुहास में है, विकास खंड उसका बाजार है और यहाँ से मुख्यालय पे जो अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो नियर अबाउट समथिंग में 14-15 किलोमीटर है। तो जो प्राइवेट अस्पताल यहाँ चल रही हैं क्या उनसे अलग होगा आपका हॉस्पिटल? बिल्कुल, मेरी सोच तो यही है, मैं किसी से तुलना तो नहीं करना चाहता लेकिन मेरी अपनी ये सोच है और अभी तक जो मैंने किया, अभी मैंने 2008 में इंटर कॉलेज भी खोला है खखरा में, बिल्कुल देहात इलाका है, लेकिन जो परफॉर्मेंस हमारे टीचरों के जरिए मेरे विद्यालय का हुआ उससे इस क्षेत्र के लोगों को एक आशा हमसे है, एक उम्मीद है और मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर सुविधा दूं और वो सारी सुविधाएं दें जो महानगरों में मिलती हैं ताकि उनकी जो अपेक्षाएं और उम्मीदें मुझसे हैं वो पूरी तरह से बाकी और बनी रहें, ये मेरा प्रयास होगा। कितने बेड का है ये हॉस्पिटल? हॉस्पिटल मान कर कम से कम 50 बेड का मैं तैयार कर रहा हूँ, 50 बेड के बाद फिर देखा जाएगा आगे, फिर जमीन रिक्वायर किया जाएगा और बेहतर कोशिश करूंगा कि इससे ज़्यादा सुविधाएं मैं दे सकूं। अभी फिलहाल 50 बेड का मैंने व्यवस्था करने की कोशिश की है।